ਬੁਰੀ ਸਕੰਦ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਜਗਦੰਬੇ ਮਾਤੇ ਕੀ ਜੈ ਸਰਵ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲੇ ਸ਼ਿਵੇ ਸਰਵਾਰਥ ਸਾਧਿਕੇ ਸ਼ਰਣੇ ਤ੍ਰੰਬਕੇ ਗੌਰੀ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਮੋਸਤੁਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤ ਜਨੋ आज माँ भगवती के पांचवें रूप का पूजन किया जाता है आज माँ भगवती का जो रूप है स्कंद माता के रूप में जाना जाता है मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है स्कंद माता की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है कहा गया है कि माँ स्कंद माता प्रेम को प्रदान करने वाली हैं सिंहासन गित्यम पदमाश्रित करदया सुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशनी माँ भगवती हमारे लिए सदा यश प्रदान करने वाली हूँ पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंदमाता हैं नवरात्रि में, में दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है बाइयों तरफ ऊपर वाली भुजा में वर्ध मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है इनका वर्ण एकदम शुभ्र है ये कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं इसलिए इन्हें पदमासना भी कहा जाता है सिंह ही इनका वाहन है शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है कि जो अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहता हो तो स्कंद माता का उसे बड़े प्रेम के साथ ध्यान करना चाहिए विशुद्धि चक्कर इससे जागृत होता है इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं भगत को मोक्ष मिलता है सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और में हो जाता है अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रहकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक भक्त को भव पार करने में कभी कठिनाई नहीं आती इसलिए भक्तजनों इनका ध्यान अर्चन पूजन अवश्य करना चाहिए उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है यानी चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता है कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं माता स्कंद की कृपा माता की कृपा से स्कंद माता मानव दुर्गा अवतार पंचम नवरात्र इसी रूप का हो दीदार सनत कुमार स्कंद की पार्वती जो मात स्कंद माता नाम से है विश्व विख्यात अति कोमल कमलासना सुंदरता की खान सूर्य लोक अधिष्ठात्री देती हैं यशगान, दाएं हाथ स्कंद हैं, बाएं कमल का फूल चतुर्भुजी सिंह वाहिनी पकड़ा हाथ त्रिशूल दुष्ट जनों को मारती करती भगतन प्यार शरणागत की अंबिका देती टार बाल स्कंद गोदी लिए ममता माँ बरसाए बाल जान इस जगत को मैया लाड लड़ाए माता शिशु स्कंद की करे बाल कल्याण मंदबुद्धि और मूढ़ जन होते चतुर सुजान भोग लगावे दूध का रस अमृत बरसाए इच्छा पूर्णी भगवती सबकी आस पुचाए मधुपक माता दर्श सब सुखों का सार गावो कीर्तन नाम का बोलो जय जय कार गावो कीर्तन नाम का बोलो जय जय कार इस प्रकार से माँ का जो गुणगान करते हैं माँ भगवती उन पर अति प्रसन्न होती हैं इसलिए भक्तजनों प्रतिदिन माँ भगवती के गुणगान को गाइए और मैं आपसे निवेदन करूँ माँ इतना प्यारा शब्द है कभी भी माँ कभी अहित नहीं करती कुपुत्रों जाइए तो कुमाता ना भवती माता कभी कुमाता नहीं होती है इसलिए माँ की भक्ति सबसे आसान है और सबसे सरल है अतः माँ की भक्ति को करने के लिए केवल प्रेम चाहिए तो जिसके मन में प्रेम है उसी के मन में मां स्कंद माता का वास है पांचवा नवरात्रा आपके लिए शुभ हो मंगलमय हो इन्हीं कामनाओं के साथ जगमोहन की ओर से आप सभी को जय माता की जय माता की जय